नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर सिंह राणा आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केस बायो फ्लॉग में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मेरे दोनों टैंकों की हार्वेस्टिंग हो चुकी है और उसकी सफाई भी हो चुकी है, वाटर प्रिपरेशन चल रहा है। तो इसी सिलसिले में हम आज आए हुए हैं अपने टैंकों में स्टॉकिंग करने के लिए। आईएमसी ब्रीड हम अपने टैंकों में स्टॉक करेंगे और उसी का सीट लेने आए हैं। ये हमारे लोकल में ही है, ये लोग बंगाल के हैं, वहाँ से ये लोग सीट मंगवाते हैं और इनके पास छोटे छोटे तालाब हैं, वहाँ पे स्टॉक किए रहते हैं, फिर यहाँ से फिर ये बेचते हैं, थोक में लाते हैं, फिर यहाँ से फुट करिए जिनको भी चाहिए होता है लोकल में। हमारे यहाँ से 2-3 किलोमीटर पास में ही है। इन लोग के यहाँ से सीट लेने का बेनिफिट ये होता है कि ये जो भी सीट ये मंगवाते हैं फिर ये अपने टैंकों में तालाबों में स्टॉक किए रहते हैं, जो भी मोर्टेलिटी होनी रहती है वो हो जाती है, फिर आप जब लेते हैं तो आपको एकदम फ्रेश सीट जो है मिलता है, मोर्टेलिटी आपको नहीं झेलनी पड़ती। तो हम ये सीट की छटाई करवा रहे हैं, हमको बिघेट कुछ पीसेस डालना है और कॉमन कार्फ और कतला, ये तीन ब्रीड हमको अपने टैंकों में स्टॉक करनी है, तो उसी की छटाई करवा रहे हैं हम। और छटाई भी लगभग हो चुकी है, ज़्यादा पीस अपने टैंकों में स्टॉक करना नहीं है हमको इस बार, क्योंकि ठंडी है, विंटर आने वाला है और उस हिसाब से अपना टैंक खाली रखना नहीं चाहते थे, इस वजह से थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए आईएमसी का भी, क्योंकि कैटफिश का एक्सपीरियंस तो हो गया, उसमें जो भी था ठीक था, बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं हुआ उसकी हार्वेस्टिंग होने पे, लेकिन घाटा भी नहीं हुआ। तो एक्सपीरियंस जो भी रहा अब तक कैटफिश का वो सही रहा। तो ये सीड है आपका 8 से 10 ग्राम 12 ग्राम ऐसे करके हैं, एक केजी में आप अगर काउंट करेंगे तो आपको 80-90 ऐसे पीस आपको निकलेगी एक केजी में। तो साइज भी सीट का बहुत ही अच्छा है, आपको मोर्टेलिटी नहीं झेलनी पड़ेगी इतना बड़ा सीट डालने में, और बढ़िया से आपका 1 mm के ऊपर का जो फीड होता है वो अच्छे से ये टेक करेंगी। तो अब ये तोल चुके हैं लगभग सीट, 5-6 केजी हमको लेना था, तो ये उसी को तोलाई हो चुकी है और अब इसको ये पॉलीथीन बैग में पैक करेंगे। उसमें से बाहर भी गिर रहा है, ये तस्लीम रखने पे थोड़ा सा ये आप बैग में पॉलिथीन बैग में अब पैकिंग हो रही है, जैसे ही पैकिंग हो जाएगी तो ये हम लोग अपने फॉर्म पे ले जाएंगे इसको। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से, जो इनका स्टॉकिंग तालाब है मछली वालों का। लगभग पैकिंग भी हो चुकी है, जो चैनल पे नए हैं दोस्त वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे से हमारी अपडेट पाने के लिए आईएमसी के बारे में, और जिनको ज़रूरत है उनको शेयर भी कर सकते हैं आप। कुछ लोग कह रहे थे कि हार्वेस्टिंग का वीडियो सर नहीं ले आए, असल में टाइम नहीं मिला उसके लिए, इतनी व्यस्तता थी बीच में कि कुछ हो नहीं सका ठीक से। तो इस वीडियो के लास्ट में हमने हार्वेस्टिंग का भी, वो जो कैटफिश थी हमारे मांगुर, उसके हार्वेस्टिंग थोड़ा सा
उसका वीडियो भी है लास्ट में। तो आप देखिए, टेम्परेचर तो अभी लगभग सामान्य ही है। आप ठंडियों में आईएमसी ही कर सकते हैं क्योंकि ये विंटर झेल सकती हैं। और अब कुछ लोग कहेंगे कि इनका सैनिटाइजेशन क्यों नहीं किया सर, तो सैनिटाइजेशन सब मछलियों का वो है ज़रूरी नहीं होता। जो डायरेक्ट स्किन जैसे कि आपका पंगास हो गया, मांगुर हो गई, सिंगी, ये सब इनकी स्किन जो है डायरेक्ट जो है दिखती है, डायरेक्ट स्किन रहती है। और ये आईएमसी जो होती हैं इनके स्किन के ऊपर थोड़ा सा एक छोटा छोटा जिसको देसी भाषा में सहरा बोलते हैं या फिर अलग अलग बोलते हैं, तो इनको सैनिटाइज करने की कोई ख़ास ज़रूरी नहीं होता। और वैसे भी इनमें फंगल डिसीज़ लगभग जीरो, और वैसे भी आपके बायोफ्लॉक टैंकों में कोई डिसीज़ वैसे भी नहीं आता, तो इस वजह से हमने इसको जो है सैनिटाइजेशन इनका नहीं किया। और वाटर प्रिपरेशन भी हमारा ये तीसरा दिन है, तीसरे दिन में ही हम स्टॉक कर रहे हैं अपना सीड। पीस जो साइज़ है बहुत ही अच्छी है, इसमें ज़ीरो मोर्टेलिटी आपको झेलना पड़ेगा, आपकी ज़ीरो मोर्टेलिटी होगी, कभी भी कोई सीट आपका डेंट होगा नहीं। तो लगभग दो 200 पीस, 210, 220 पीस एक एक टैंक में स्टॉक कर रहे हैं हम। देखा जाए फिर आगे आगे अपडेट आपको मिलता रहेगा इसके बारे में। ये दोस्तों तो तक फार्म पे यही सब, और ये हार्वेस्टिंग का वीडियो था, ये हार्वेस्ट कर रहे थे उसको। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।